क्या तुम गंदगी खाते हो? आप जरा पानी में गंदगी आप जरा थूक दीजिए पानी में, तो मछली आएगी और आपकी आपका थूक खा जाएगी, आपकी गंदगी मछली खा जाएगी। खाती है कि नहीं मछली? और आपकी गंदगी मछली खाती है, और अब बताओ वो व्यक्ति वो इंसान मछली खा जाता है, अब कितना बढ़िया होगा वो व्यक्ति जो मछली खाता होगा, जरा सोच सकते हैं आप? पानी में बच्चों की छिच्छी पोटी आप डाल दीजिए तो मछलियों से खा जाएगी, फिर आदमी मछली खा जाता है। अब बताओ क्या खा रहा है व्यक्ति? मलमूत्र ही खा रहा है। इसलिए ये सब खाने योग्य नहीं है। खाने मछली को आप मारते हैं, कितना तड़पती है, कितना दर्द होता होगा, वो भी जीव है। मछली मतलब भगवान नारायण का अवतार, भगवान ने एक बार मत्स्य अवतार धारण किया, हयग्रीव नाम के एक दैत्य को मारने के लिए भगवान ने ये अवतार धारण किया था। तो भगवान मछली है। आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो और आपको मछली का दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। अपने घर में लोग मछली पालते हैं, आप जब भी शुभ काम के लिए जाया करिए तो एक बार मछली का दर्शन जरूर किया करिए। मछली अर्थात नारायण है वो, क्योंकि भगवान नारायण ने एक अवतार मछली का भी लिया, कछुए का भी एक अवतार भगवान ने लिया। तो मछली नारायण है, उसे मारकर खाना नहीं है, उसका दर्शन करना है, उसका संरक्षण करना है, खाना नहीं है।